मेंटल मैथ क्लास 9th, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाई। तो बच्चों आज की सीरीज में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेके आगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और देखकर इसमें से सीखें। आइए करना शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री लाइन्स, ठीक है, कंकरेंट एट ओ, ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ओ, थ्री लाइन इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब बच्चों हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो इधर ये एंगल और ये एंगल, इसका हम वन नाम दे देते, दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। जब भी कभी टू लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, ये टू लाइन करे तो ये वर्टिकली हो गए, थ्री करे तो भी ये और ये, ये और ये इस तरीके से होंगे। अब आप देख रहे हैं तो एंगल वन इक्वल होगा टू वाई के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिख देता हूं मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल वन की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इधर, अगर हम एंगल फाइव ये वाला यानी ए ओ डी, ए ओ ई और सी ओ ई को ऐड कर दे तो ये एक लाइन है, एक लाइन पर एंगल बने हैं, लीनियर एंगल होंगे, तो तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। आइए करना शुरू करते हैं, या तो आप सीधा कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ ई और प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स ये भी लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन वन लाइन, वन लाइन में, ठीक है, ऑफ सेम साइड, एंगल्स ऑन वन लाइन, ठीक है, बस इतना ही ठीक है। देखो ए ओ डी 5y, ए ओ ई, ए ओ ये आ गया 2y और ये भी है 2y, 180 डिग्री, 5 टू 7 और 2 कितना हो गया 9, 9y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए तो 180, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 टू जा 18, 0 की 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20 आ गई, ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर करना है 37। ये देखिए ये तो बहुत ही इजी है, द आर्म्स ऑफ एन एंगल एल बी सी आर पैरेलल, ठीक है, इसमें वन आर्म एल बी सी, एल बी सी की ये वाली ए बी पैरेलल है ई डी की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए बी पैरेलल डी ई लिख दो या ई डी लिख दो, एंड और ये जो सेकंड वाली जो है ना ये बी सी, ये पैरेलल होगी इस साइड के ई एफ के, ठीक है, ये पैरेलल हो गई। अब बच्चों ये पैरेलल लाइन है और इनसे जो भी फिगर बनेगा, इनसे जो भी फिगर में ये एम दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं, इनसे जो भी फिगर बनेगा, इन टू लाइनों से जो भी फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। अब आप देखिए ए बी पैरेलल किसकी है, डी ई की, ए बी पैरेलल डी ई, या हम लिख सकते हैं एम बी पैरेलल, ठीक है, एम बी पैरेलल डी ई लिख सकते हैं, या ई ओ लिख सकते हैं, सॉरी ई ओ लिख सकते हैं, ई ओ, क्योंकि ओ ई डी पर स्थित है और एम ए बी पर स्थित है, तो लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली एम ई पैरेलल है बी ओ, ठीक है। अब क्या हो गया, एम ई ओ बी, एम ई ये देखो एम ई ओ बी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आप जानते हैं, एंगल एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल वाई के, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इक्वल भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, दोनों ठीक है। आगे कहता है जेड एंड वाई, जेड एंड वाई, अब देखो इधर जेड एंड वाई, अब आपके सामने क्या है,
एम ई पैरेलल है, एम ई पैरेलल है बी ओ, ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एंड ओ ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल वाई और प्लस एंगल जेड दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको चाहे तो आप सप्लीमेंट्री भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये किया तो भी ठीक है, ये किया तो भी ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इसका नाम हम वन रख लेते हैं। दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो यहाँ पर एंगल वन इक्वल आ जाएगा एंगल थ्री एक्स प्लस टू एक्स के। ठीक है, 2x इक्वल आ गया, यानी 5x इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये इक्वल आ गया। अब आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या इसमें यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और चाहना क्या है लिख ही डालिए ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये वाला। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ ए बी पैरेलल सी डी, एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इसका नाम पी दे दो, एंड पी। ठीक है, पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो उसका मतलब एंगल 1 प्लस 95 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां भी लिखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मशीने काफी आ रहे, गर्मी काफी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कितने का, 5x का, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 95 प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दीजिए कितना आ गया, कितना आएगा भाई, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ रह गया कितना 17, यहाँ आ जाएगा 80। ठीक है, कितना आ गया 80 आ गया, 85 सॉरी। तो अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x 85, 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर ही डिवाइड में आ गया, 85 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है एम पैरेलल एन, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी जे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल है 118 डिग्री, ये 118 डिग्री है, 7 फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट करें, ये वाला 4। अब ये लाइन कितने डिग्री पर होती है बच्चों, 180 डिग्री पर होती है ये लाइन। तो दोनों का सम क्या होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, इस तरीके से। ठीक है, एंगल 1, एंगल 1 है जो गिवन है 118 डिग्री, एंगल 4 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और इस तरीके से हम लिखेंगे पहले 118 प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, और माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 में से 1 माइनस किया 6, ठीक है ना, और 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, तो 62 डिग्री आ गया। अब बच्चों 62 डिग्री है। अब फिर एक बात देखो, M पैरेलल N एंड P इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। P इज ए क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 7, ये 4 इक्वल हो गई, ये डाउन साइड में है, ये भी डाउन साइड में है, इन्हें बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो 4 की वैल्यू 62 है, तो 7 की वैल्यू भी क्या होगी, 62 डिग्री होगी। दिस इज द आंसर, हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्या कहता है। बहुत ही ईजी है, आप देख रहे हैं पी ओ वाई 90 डिग्री है, ठीक है, यो और एक्स वाई एम एन ये इंटरसेक्टेड लाइन है। पी ओ एम ये टू है, पहले पी ओ एम लिखा तो ये होगा, ये इसको 2x कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, और सेकंड को 3x कर लीजिए, एम ओ एक्स है ना, एम ओ एक्स, ये 3x कर लीजिए इस तरीके से। तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है ना। तो यानी एंगल हमें ये एम ओ एक्स कितने डिग्री का, ये फाइंड आउट करना होगा। तो कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये एक्स सी वाई, ये एक लाइन बन रही है आपके सामने, ये एक लाइन है, और ये 3x प्लस 2x और 90 डिग्री, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। 3x प्लस 2x और प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल आर ऑन सेम लाइन एंड सेम साइड, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो बच्चों 3x और 2x कितना हो गया, 5x हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस में इधर लेके आएंगे RHS की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस क्या, तो कितना आ गया बोलो, 90 डिग्री आ गया ना। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 आ गया, अब हमें फाइंड आउट करना है 3x, यानी एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स, ये है बच्चों 3x का। तो यानी 3 × 18 = 54 डिग्री, ये 54 डिग्री का आ गया। अब फिर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखो 3x और प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गई। अब ये जो है, ये आप एक लाइन समझे, ये एक लाइन हो गई, और ये 3x और सी, ये टू एंगल बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 हो गई, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। अब 3x की तो वैल्यू निकाल चुके, 54 है, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इधर कर लेते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 डिग्री, 54 इधर प्लस में, इधर आकर ये राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस कर देते हैं इनको, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे रह गया बच्चों 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, ठीक है, और 126 डिग्री आ गया, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।